फ्रेंड्स, एटीएम कार्ड तो आप सभी ने यूज करते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एटीएम मशीन से कैश विथड्रॉल के टाइम में आपका अकाउंट तो डेबिट हो जाता है, लेकिन एटीएम मशीन से कैश बाहर नहीं निकलता है। इसका रीजन बहुत कुछ हो सकता है। पहला रीजन यह हो सकता है कि एटीएम मशीन का पावर ऑफ हो जाना, सेकंड एटीएम का लिंक फेल भी हो सकता है, और दूसरे कोई टेक्निकल इश्यू भी हो सकता है। लेकिन कभी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना होता है, इसके लिए सारा बैंक का जो प्रोसेस है वो लगभग एक ही होता है। तो आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस है, कौन सा बैंक का क्या प्रोसेस है, और स्पेशल स्टेट बैंक का क्या प्रोसेस है अगर आपका आपका अकाउंट से अकाउंट डेबिट हो जाता है अमाउंट, और एटीएम मशीन से कैश बाहर नहीं निकलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसका साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए उनका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर यदि आपके साथ किसी भी टाइम में ऐसा होता है कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया है लेकिन एटीएम से आपका कैश बाहर नहीं निकला, तो स्टेट बैंक के जो रूल्स है उसमें तीन तरीका है आपको बैंक में कंप्लेन करने का। पहला तरीका है आप बैंक में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और दूसरा तरीका है एटीएम कार्ड के पीछे एक हेल्पलाइन नंबर डाला हुआ होता है, उस नंबर में आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इसमें भी काम नहीं होता है तो आप ऑनलाइन भी कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको SBI का जो ऑफिशियल साइट है sbi.co.in उसमें जाना होगा, फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे कंप्लेन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन कंप्लेन करने के लिए पहले आपको यहाँ पे गूगल में जाकर sbi.co.in सर्च करना है। देखिए यहाँ पे मैं sbi.co.in सर्च कर लिया, और जैसे ही यहाँ पे sbi.co.in लिख के सर्च किया, SBI का जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है मेरे सामने। एकदम ऊपर देखिए कस्टमर केयर बोल के एक मेनू आपको मिल जाएगा, आपको सिंपली कस्टमर केयर में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमर केयर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट जो पेज है खुल जाएगा, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्स एंड कॉम्प्लेंट्स में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे बहुत तरह का कॉम्प्लेन का फॉर्मेट है, सेग्रीगेशन कर दिया गया है कि किस तरह का आपका कंप्लेन करना है। नीचे देखिए, नीचे की तरफ लास्ट जो है कस्टमर रिक्वेस्ट एंड कंप्लेन फॉर्म, तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इसमें क्लिक कर देंगे, इस तरह का और एक पेज आपके सामने आता है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रेज ए कंप्लेन, और सेकेंड जो ऑप्शन है इसमें आधा सिलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पे सबमिट जैसे ही कर दें, इसमें और एक स्क्रीन आया है, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर और कैप्चा कोड डाल के OTP सेंड करना है। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें एक OTP जाएगा, फिर उस OTP को यहाँ पे वैलिडेट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर और कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP में क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं सेंड OTP में जैसे ही क्लिक किया, मेरे पास OTP आ गया। मैं सिंपली यहाँ पे OTP डाल के यहाँ पे वैलिडेट में क्लिक कर दूंगा। देखिए मेरे पास ये OTP आ गया, मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया, फिर इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और वैलिडेट OTP में क्लिक कर दूंगा। तो जैसे देखिए आप OTP वेरिफिकेशन कर लेंगे, आपके पास इस तरह का एक फॉर्म आएगा। इस फॉर्म में बहुत सारा डिटेल्स आपको एंटर करना है। पहला जो है आपका नाम लिखना है, और उसके बाद आपका ब्रांच कोड इसमें देना है। फिर देखिए यहाँ पे आपका कंप्लेन कैटेगरी लिखना है, कैटेगरी तो ATM रिलेटेड होगा। उसके बाद प्रोडक्ट एंड सर्विस में भी आपको ATM रिलेटेड चूज करना होगा। और उसके बाद देखिए इसमें नेचर ऑफ कंप्लेंट्स, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। तो पहला जो ऑप्शन है वो अकाउंट डेबिटेड बट कैश नॉट डिस्पेंस्ड, यानी आपका अकाउंट तो डेबिट हो गया है लेकिन कैश ATM मशीन से बाहर नहीं निकला, इसलिए आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है उसे चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर आपको देना है, ATM कार्ड नंबर आपके पास जो है, जिस ATM कार्ड से आप कैश विथड्रॉल करने के लिए ट्राई किए थे उसी ATM कार्ड का नंबर इसमें देना है। फिर डिस्पेंस्ड अमाउंट, यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। डिस्पेंस्ड अमाउंट का मतलब होता है आपका ATM मशीन से कितना अमाउंट आपको मिला है। हो सकता है आप 10,000 के लिए विथड्रॉल के लिए ट्राई किए थे, आपको 9,000 मिला है, तो यहाँ पे आपको 9,000 लिखना है। अगर कुछ भी फंड आपको बाहर नहीं आ ATM मशीन से, तो आपको इसमें जीरो लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए ATM ID और टर्मिनल ID, इसको ये आपको कहाँ से मिलता है, ये तो जो रिसिप्ट जनरेट होता है उस रिसिप्ट में ATM ID होता है। अगर आपके पास रिसिप्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ATM मशीन में देखिए उसमें लिखा होता है ATM ID क्या है, उस ATM रूम में ही आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक लिखने के लिए स्पेस है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी लिख दीजिए कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ है, और नीचे इसमें एक कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को भर के सबमिट बटन में क्लिक कर दीजिए।
जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास एक टिकट नंबर जेनरेट होकर आ जाएगा, उस टिकट नंबर को आप रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप कॉन्टैक्ट करेंगे SBI का कस्टमर केयर में और ब्रांच में, तो आपको उस टिकट नंबर सबमिट करना है। तो बस इतना ही था, मैं आपको सारा डिटेल्स बता दिया कि कैसे कंप्लेंट करना है। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, इसमें मैं आपको सिंपल तरीके से बताया कि अगर आपका ATM ट्रांजेक्शन कभी फेल होता है तो आपको कंप्लेन कैसे करना है ऑनलाइन। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपका फ्रेंड्स फैमिली जो भी है उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसका बारे में पता चले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।